मेरे लिए किसी भी आंकड़े, किसी भी प्रशंसा, किसी भी सम्मान से बड़ा संतोष तब होता है जब मैं बच्चियों को बिना किसी चिंता के स्कूल जाते देखता हूं। मुझे संतोष इस बात का है कि करोड़ों माताएं बहनें अब एक असहनीय पीड़ा से, अंधेरे के इंतजार से मुक्त हुई है। मुझे संतोष इस बात का है कि उन लाखों मासूमों का जीवन अब बच रहा है जो भीषण बीमारियों की चपेट में आकर हमें छोड़ जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर के गांवों में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन अब सफलता के शीर्ष को छू रहा है। स्वतंत्रता के बाद सबसे सफल रहे जन आंदोलन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास सफाई अभियान शुरू कर दिया। 60 महीने में 60 करोड़ से अधिक नागरिकों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार ने असंभव को संभव बनाकर दिखा दिया है। 24 मई 2021 तक देश के 603,177 गांवों को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्ति दिलाई गई है। तो वही 24 मई 2021 तक 11,35,08,014 से ज्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जन आंदोलन स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की इस अद्भुत कहानी से दुनिया चकित है। पहले हमें खेतों में जाना पड़ता था, इसके बाद अभी हम खेत में नहीं जा रहे। शौचालय बनने से हमारे स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहती है। ता सहित मु ब्लॉक प्रशासन को जोगाजोग कलारु मते पायखाना खंडिये मिली पड़िया गाड़िया नालबंध नई अतड़ा एठिक सब गला बेलू सब पुरुष पु जीवा आसवा कहते आमको संकोच लगुला एवं पायखाना टी निज घर हबारु आमर सब असुविधा दूर हो देखी आम गम पाल बोले कि लेट्रिन कि करिसे हे कारणे पानेश्वर मामा कारणे मामारे दिसो मामा कइसे लेट्रिन दिम बोले ए योजना तो बहुत लाभ होइसे कि एतु खूब भाल होइसे आरो कि बहुत असुविधा होइसिल आगत बहुत असुविधा होइसे एति आरो भाल होइसे आरो ए लेट्रिन दिवते आमार सुविधा होइसे घर आगत पथारत गइसु एति आरो जवान ना लागे एति आरो घरते होइसे बहुत सुविधा होइसे। सरकार ने बहुत अच्छा किया है जो मतलब लेट्रिन आई। हम बाहर जाते थे बहुत परेशान थे पूरा परिवार ही और ये स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया स्वच्छता ही सेवा मिशन ने। इसके तहत गली मोहल्लों से लेकर तालाबों और नदियों तक की साफ सफाई की गई। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 25 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने का आह्वान किया। आइए हम सब एक नए उमंग, नए संकल्प, नई शक्ति के साथ प्रकृति को स्वच्छ और प्लास्टिक से मुक्त बनाने के संकल्प को सच करके दिखाएं।